बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। लास्ट क्लास में जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था वो रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन के लिहाज से हम बात कर रहे थे। आज हम रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोग नोट करेंगे, कुछ टर्म्स हैं जो डेरिवेशन में आएंगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम लिखेंगे उसमें वो टर्म्स आएंगी। तो वो हम पहले से उनको देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज लेट, ये पहले नेम्स हम लिखेंगे फिर मैं रब कर दूंगा यहाँ से, डेल्टा आर, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा आर आपको नजर आएगा। तो ये किसके लिए? चेंज इन रेजिस्टेंस के लिए है। अच्छा, फिर इसी तरह से आपको एक टर्म इसमें नजर आएगी जिसको हम आर नॉट कहते हैं। आर कैपिटल लिखा हुआ है और एक छोटा सा जीरो या ओ इसको कहते हैं आपको बना हुआ है इसके साथ। रीड हम इसे करते हैं आर नॉट। तो ये है क्या? ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सामने लिख भी दिया मैंने, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसी तरह से आर, और यहां पे मैंने टी लिख दिया इसके साथ, आर टी, टी छोटा सा लिखा हुआ है मैंने, ये है रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर अदर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जीरो को छोड़ के इससे ऊपर की तरफ जैसे हम जाते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 30, 40, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। तो जीरो को छोड़ के कोई भी टेम्परेचर है उस पर अगर आप कंडक्टर की रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम किससे लिख रहे होते हैं? आर टी। तो यहाँ पे आगे भी लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T other than 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T other than 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टर्म आएगी आपके सामने। और T टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे। T जो है वो किसके लिए यूज करेंगे? टेम्परेचर के लिए, एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ये सब चीजें आज के टॉपिक में आप देखेंगे। तो ये टर्म्स इससे ये डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आगे चल के मुझे बार बार बताना ना पड़े कि ये क्या है और ये क्या है। तो ये सब मैंने सामने लिख दिया। ठीक है, तो ये जल्दी से नोट कर लें, फिर इसके बाद में बात शुरू करता हूँ कि अब रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है टेम्परेचर के लिहाज से। ये लिख लें जल्दी से। अच्छा, चले हम बात शुरू करते हैं। अब देखें यहां पे दो तीन चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है। अजान हो रही है तो अजान के एहतराम में हम क्लास को रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, जैसे कंडक्टर्स हैं, आप आयरन की मिसाल ले सकते हैं, आयरन है, फिर इसी तरह से निकल, कोबाल्ट, गोल्ड या कॉपर, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स अगर आपके पास हैं तो उन सबकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस है, अलग अलग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रेजिस्टेंस है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ। अच्छा, अब हमने करना ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबकी
रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सा मेटल कितनी रेजिस्टेंस देता है। अब वो हमने नोट कर ली तो यकीनन किसी की रेजिस्टेंस कम होगी, किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा अब देखें, जिसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम है तो उसमें जब चेंज लेके आएंगे ना तो चेंज भी उसमें कम आता है, और जिसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा है तो उसमें जब चेंज लेके आएंगे रेजिस्टेंस में तो रेजिस्टेंस का चेंज भी ज्यादा आएगा। बात समझे कुछ, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी मटेरियल वाइज आप मटेरियल की बात कर सकते हैं, मटेरियल की नेचर है ये। अब जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, जब उसकी रेजिस्टेंस में आप चेंज लेके आते हैं किसी भी फैक्टर से, तो वो जो चेंज है वो भी ज्यादा आ रहा होता है, सॉरी कम आ रहा होता है। और अगर किसी की ज्यादा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस तो फिर चेंज भी ज्यादा आएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब एक एक चीज मैं लिखता जाऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टेंस को डेल्टा आर से लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब क्या हुआ देखें, चेंज इन रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं डेल्टा आर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम रिलेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अच्छा दूसरी बात सबके लिए सेम है, वो ये है कि जितना टेम्परेचर आप चेंज करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। अब कोई कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर कंसिडर कर लें, उसकी रेजिस्टेंस को आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करें आप, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। तो चेंज इन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे मिल रहा है हमें, चेंज इन टेम्परेचर से। तो ये बात यहां पे लिख देते हैं, ऑल्सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। तो इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे हम, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये आपके पास सेकेंड रिलेशन, रिलेशन नंबर 2, ठीक है। दो रिलेशन है, तो आर नॉट और डेल्टा टी से डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब ये जो दो रिलेशन है इनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है, कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप रिमूव करते हैं तो इक्वल एंड कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं आप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर इक्वल्स टू और फिर ब्रैकेट में कॉन्स्टेंट लिखते हैं और आगे आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल एंड कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट एल्फा है यहाँ पे, और एल्फा अपना एक नाम भी है, वो भी अभी लिखते हैं, डेल्टा आर इक्वल्स टू एल्फा। अब ये जहन में रहे, देखें हम जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बनाते हैं या एल्फा लिखते हैं तो वो हैंड राइटिंग में एक जैसा ही बन रहा होता है,
लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन अब कांस्टेंट मैंने लिखा है ना, तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, इक्वल के बाद है, ये अल्फा है, अल्फा है, जैसे अल्फा बीटा और गामा, तो हैंड राइटिंग में इसी तरह से, बाकी ये कि टाइपिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा होता है। डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा के बाद आप क्या लिखेंगे, आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी, ये आपने इस तरह से लिखा, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। इसके अंदर हम बात शुरू कहां से कर रहे हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने रेजिस्टेंस को शुरू किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, ये रेफरेंस है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हम ऊपर की तरफ गए, 0 से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। तो 0 से ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो इसमें ये दो चीजें, एक चेंज इन रेजिस्टेंस और एक है चेंज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस का चेंज निकालेंगे तो एक होती है ना इनिशियल और एक फाइनल, तो इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है, और फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो किसी टेम्परेचर पे जो अदर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये शुरू में जब मैंने बातें लिखी थी वो ये थी, जब मैंने कहा था दरमियान में अब ये चीजें आएंगी तो दरमियान दरमियान में बताने से बेहतर है पहले बता दिया जाए। तो चेंज इन रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस आपके पास आर नॉट है और एक है आर टी, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आर टी रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो। तो जब हम डेल्टा आर लिखेंगे इसको फर्दर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में अब रखनी है, क्योंकि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं बस बात इतनी सी, और टेम्परेचर के लिहाज से कर रहे हैं, तो एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और दूसरा कोई भी हो सकता है 0 से ऊपर। जैसे हम न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो ये टी जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे फिर कोई टेम्परेचर आ जाता है, लाइक आर टी जैसे रेजिस्टेंस है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है लेट सपोज, और आर नॉट जो उसकी लिस्ट होती है बाकायदा वो गिवन होती है। अच्छा, इक्वल टू अल्फा आर नॉट, अब ये डेल्टा टी लिखा हुआ, डेल्टा टी कैसे निकलेगा, डेल्टा टी निकलेगा एक हायर टेम्परेचर आपके पास जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात कहां से शुरू हो रही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ही है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हम लिखेंगे टी माइनस जीरो। वैसे जो नॉर्मली आप जानते हैं कहते हैं टी टू माइनस टी वन, डेल्टा टी के लिए टी टू माइनस टी वन तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें टी वन हमेशा जीरो है, फिर ये याद रखें टी वन इसमें क्या होगा, फिर हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज हमने इस तरह से लिखी। अब इसके बाद देखें, ये जैसे लिखा हुआ वैसे ही छोड़ दें, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा, अब ये आर नॉट टी से मल्टीप्लाई होगा तो आर नॉट टी आ जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, और जीरो को फिर हम लिखेंगे नहीं, वो खत्म हो जाता है। आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसमें ये जो आर नॉट है माइनस में यहां जाके प्लस होगा, तो इसको हम लिखेंगे आर टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट, ये आर नॉट माइनस में था वहां जाके ऐड हुआ है। अब यहां से आर नॉट कॉमन लेंगे, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे अल्फा टी आएगा एंड प्लस आर नॉट कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। तो ये रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर, ठीक है, उसका फॉर्मूला आ गया आपके पास। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ही डिराइव करना था ना हमने, तो टेम्परेचर के लिहाज से रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूला से
कैलकुलेट करते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा टी, ठीक है। और जबकि इसमें अल्फा का अपना नाम क्या है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ से रफ करके, इसका जो अपना नाम बनता है वो। और ये जो फॉर्मूला लिखा है इससे हम अल्फा को अलग करके उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अल्फा को यहाँ रखते हैं, आर नॉट डेल्टा टी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो अल्फा का अपना खुद का भी फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी, ये उसका फॉर्मूला भी बनता है। अच्छा, कोई सवाल हो ना तो हाथ के हाथ पूछिएगा, क्योंकि बोर्ड रफ कर देते हैं तो फिर आप क्या पूछेंगे वो फिर हमें स्टेप्स क्योंकि मिटा चुके होते हैं तो फिर पता नहीं लगता। बाकी वैसे जनरल बात पूछेंगे तो वो तो हम बता देंगे, मैथमेटिकल स्टेप्स में कुछ पूछना है तो वो अभी पूछ। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो हैंड रेज कीजिएगा ताकि एक आपका जवाब जो है वो दे दिया जाए। ओके, आर टी माइनस आर नॉट, बिल्कुल बताते हैं आपको। देखें आप जब चेंज निकालते हैं, वो किसी भी चीज का चेंज है, जो कि इससे पहले आप बहुत सारे टॉपिक्स में निकाल चुके हैं, जैसे वेलोसिटी का चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी चीज का चेंज निकालते हैं तो आपके पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो इनिशियल और फाइनल होते हैं। तो आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं तो चेंज आ जाता है आपके पास। किसी भी चीज का चेंज निकालें तो ऐसे निकालते हैं कि फाइनल पैरामीटर्स में से इनिशियल पैरामीटर्स को आप माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज की रेजिस्टेंस पहले जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं, फिर उसकी रेजिस्टेंस जीरो से ज्यादा किसी टेम्परेचर पे ले रहे हैं। तो दो पैरामीटर जो हमारे पास यहाँ पे है, एक जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और एक जीरो से ज्यादा कोई भी टेम्परेचर, तो दो बातें हो गई। तो अब यहाँ पे जब मैं चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो एक वो रेजिस्टेंस है जो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से है और एक वो रेजिस्टेंस है जो अदर देन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से, और ये फाइनल है ये इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा तो मेरे पास चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा, और फाइनल रेजिस्टेंस जो कि हायर टेम्परेचर पे, इसको मैंने नाम दिया हुआ है आर टी, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर, और इनिशियल पैरामीटर्स में रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जिसको मैंने आर नॉट का नाम दिया हुआ है। तो आर टी माइनस आर नॉट इस तरह से करके आया है। और जहां तक इसकी बात है डेल्टा टी की, तो ये भी फिर उसी से रिलेट कर रही है चीज कि एक टेम्परेचर जीरो है वो इनिशियल और एक हायर टेम्परेचर उसको टी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर है ही जीरो, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, टी माइनस जीरो, ठीक है। अच्छा चले, मैं यहाँ से ये जो शुरू के कुछ पैराग्राफ हैं, सेंटेंसेस हैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ, अल्फा का नाम लिख दूँ ताकि और भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। वेयर अल्फा is constant of proportionality which is called coefficient of resistivity, coefficient of resistivity, ठीक है, ये इसका नाम है। अच्छा, इसको फॉर्मुलेट अगर हम करें तो ये जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी से हम इसको जो है ना कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये लिखा ना सामने, डेल्टा आर इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो अल्फा जो बनेगा वो कुछ ऐसे होगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है, ये आएगा आपके पास।
इसका यूनिट हम किस तरह से निकालेंगे, इसका यूनिट देखें, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस है, इसको ओहम में मेजर करते हैं, आर नॉट ये भी ओहम में मेजर होगा, और डेल्टा टी जो है ये टेम्परेचर है, तो डिपेंड करता है उस पे एक्सपेरिमेंट पे कि सेंटीग्रेड में आप कर रहे हैं या फारेनहाइट में कर रहे हैं या केल्विन में कर रहे हैं, तो अगर स्टैंडर्ड रखेंगे तो केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो अगर आपके सामने मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो ये कुछ ऐसे, ओहम अपॉन आर नॉट के लिए भी ओहम, और डेल्टा टी के लिए लेट सपोज डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम रखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखें ओहम से ओहम कैंसल आउट होगा, तो आपके पास जो यूनिट है वो आएगा 1/ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आ जाएगा, और अगर केल्विन में तो फिर 1/ केल्विन आ जाएगा, तो इसको फिर आप डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी लिख सकते हैं या आप इसे केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट इसके आ सकते हैं, अल्फा के लिए डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स, फारेनहाइट में हम अमूमन एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो उसको हम नहीं लिख रहे, और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, ये नोट कर लें। फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो उसके कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, टॉपिक हमारा है। अच्छा देखिए, सर्किट दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास सीरीज सर्किट है और एक पैरेलल सर्किट है, तो इसी तरह से जो रेजिस्टर्स हैं उनको भी हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, तो दो ही कॉम्बिनेशन हमारे पास है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन, डायग्राम आप बाद में बना लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको क्योंकि समझाना चाह रहा हूँ तो डायग्राम पहले बना दूंगा, आप थोड़ा सा लिखते जाएं फिर बाद में बना लीजिएगा डायग्राम। लेट सपोज हम कुछ रेजिस्टर्स ले लेते हैं, नंबर वन रेजिस्टर, नंबर टू एंड नंबर थ्री, ठीक है, ये तीन रेजिस्टर्स हैं मेरे पास और इनको सीरीज में हम कनेक्ट करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन, देखें आपको फुल आइडिया हो रहा होगा, एक के बाद एक कनेक्टेड है विद द सिंगल वायर, और इसमें जो पाथ आपने प्रोवाइड किया वो सिंगल पाथ है फॉर द पैसेज ऑफ करंट, और ये सब के सब बैटरी से एक ही पाथ के साथ कनेक्टेड है। लेट इसको हम नाम दे देते हैं आर वन, इसको नाम दे देते हैं आर टू, इसको नाम दे देते हैं आर थ्री। अच्छा, जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहे हैं उसको हम नाम दे देते हैं V, टोटल वोल्टेज जो भी बैटरी से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में एक तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से हम डिफाइन कर देते हैं,
फिर इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो एक एक करके मैं बोलता भी जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा। तो सबसे पहले इसको जरा डिफाइन कर देते हैं, अ कॉम्बिनेशन इन विच resistors are connected one after one in a circuit such that they are provided a single path for the passage of current. पहली चीज तो ये देखें, स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट हमें क्या क्या नजर आ रहा है। अब देखें, जब भी हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, तो जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो ड्रॉप होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आर वन है तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो वी वन है, आर टू में वी टू और आर थ्री में वी थ्री। जैसे देखिए, तीन हमारे पास बल्ब्स हैं, उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और कुछ वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं उस सर्किट को, तो कुछ वोल्टेज पहले बल्ब में ड्रॉप होंगे, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में। या ऐसे कह लें कि पहला बल्ब कुछ वोल्टेज यूटिलाइज करेगा, दूसरा भी कुछ यूटिलाइज करेगा, तीसरा भी यूटिलाइज कर लेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा करके, 220 में से थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात बताई जा रही है जिसको हम ड्रॉप करना कहते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि पहला वाला जो उसमें ज्यादा ड्रॉप होगा, दूसरे में कम, तीसरे में कम, ऐसा नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है ना, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी वहां पे ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज वहीं पे ज्यादा कंज्यूम होता है जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जहां पे कम होगी वहां पे कम होता है। ओम्स लॉ से हमें पता लगता है वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है। तो इसमें अगर वी और आई को हम रिलेट करें तो डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, मे बी ये सबसे ज्यादा, अगर ये सबसे ज्यादा है तो फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रॉप होंगे, या ये भी पॉसिबल है कि ये वाला सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है फिर यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होंगे, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, सर्किट डायग्राम में ये भी ध्यान में रखेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन हम शो करेंगे इट वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। प्लस से पॉजिटिव साइड से करंट मूव करके जाता है कहाँ पे, नेगेटिव साइड पे। तो ये सर्किट डायग्राम में लाजमी आप बनाते भी और सही बनाना चाहिए, नेगेटिव साइड से शुरू नहीं करते क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये। अच्छा, खैर ये बहस नहीं है, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जब भी सीरीज में आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो हम क्या लिख सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको लिख सकते हैं, इज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अच्छा, अब ड्रॉप तो हो जाएगा, अब एक और मजे की बात है इसमें ये है, सपोज करें ये 220 है, ये वोल्टेज कितने प्रोवाइड किए हैं, 220। तो अब जितना भी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, इनको तीनों को प्लस कर दें, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो आपके पास जो टोटल इसका आंसर आएगा वो भी 220 आएगा, क्योंकि 220 में से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो जितना भी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअली, जितना जितना यहाँ पे ड्रॉप हुआ है उसको अगर आप सम अप कर दें, ऐड कर दें, तो जो सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल वो ही आ जाएगा आपके पास।
तो ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने वर्ड किसके लिए यूज किया, वोल्टेज के लिए, ठीक है, चाहे तो सिर्फ वोल्टेज लिख दें या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिख दें, तो दोनों लिख सकते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ये कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है, डायग्राम आप मैंने कहा था कि बाद में बना लीजिएगा, अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, सोर्स की तरफ से जितने भी वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअली जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्रॉप होगा उसको सम करेंगे तो उसी के इक्वल आएगा। तो ये एक बात हो गई, और आखिरी बात ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप होता है लेकिन करंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर करंट सपोज करने 3 एम्पियर है तो इसमें भी 3 एम्पियर, इसमें भी 3, इसमें भी 3, पूरे सर्किट में 3 एम्पियर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो आखिरी पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, नंबर 4, इन सीरीज कॉम्बिनेशन अमाउंट ऑफ करंट करंट फ्रॉम कैपिटल आई से लिखते हैं रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सर्किट। ये पॉइंट नोट करें, वो तो भी समझ में तो आ रहे होंगे, फिर मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशन है वो भी हम देखेंगे, पहले पॉइंट नोट कर लें, और क्लास का टाइम जो है ना वो भी ओवर होने वाला है, तो इसमें आगे मैथमेटिकली जो भी चीजें हम लिखते हैं उससे हम ये देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सर्किट है उसमें बहुत सारे रेजिस्टर हो सकते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है पूरे सर्किट में, तो उसके लिए फिर हम ये प्रॉपर्टी सामने रखते हैं और फिर एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, तो वो भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वो भी ड्राइव करेंगे। जब तक आप ये नोट कर रहे हैं और इसमें कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, आप ये लिखते भी जाए, मैं यहाँ पे खड़े होकर रिपीट करता जाता हूँ एक एक चीज कि क्या क्या मैंने बताया, कि जब भी हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो फिर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और करंट कॉन्स्टेंट रहता है। ये बात जो है ना, इन शॉर्ट इसको अगर हम समराइज करें तो इसमें ये बात पता लग रही है कि जब भी हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फिर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वेयर एज करंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। फिर दूसरी चीज ये है कि अच्छा करंट तो कॉन्स्टेंट हो गया, उसको तो साइड पे कर दें, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो फिर इसकी एक खासियत हमें ये पता लगती है, प्रॉपर्टी ये भी आती है कि अगर हम वोल्टेज जितना भी ड्रॉप हुआ है जिस रेजिस्टर में उसको ऐड कर दें, सम अप कर दें, तो फिर जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो वही होगा जो टोटल वोल्टेज आपने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ड्रॉप होता है ना, यही वजह है कि घरों के जो सर्किट बनाते हैं ना वो सीरीज में नहीं बनाते, वरना तो फिर ये है कि जो सेवर वगैरह बल्ब है ये सब चीजें या फैन है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वोल्टेज सबको पूरे मिलने चाहिए 220। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन हम घरों में नहीं बनाते, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते, पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलते हो। तो ये भी पता लग जाएगा अब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे कि करंट से कुछ ऑपरेट नहीं होता, वोल्टेज से होता, करंट कुछ और चीज है, हम समझते हैं करंट है, करंट करंट तो है ही है, लेकिन असल में वोल्टेज होती है जिसकी वजह से ये चीजें चल रही होती है, वोल्टेज वो एनर्जी है जिससे ये चीजें ऑपरेट हो रही है, वोल्टेज सबको पूरा मिलना चाहिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें लिख लें, आप नोट कर लें, चलें होप तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी के आगे से हम शुरू करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह।